करवा चौथ को लेकर महिलाएं पूरी तरह से खरीदारी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है और पूरे देश में 1 नवंबर को करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाएगा। करवा चौथ का त्यौहार औरतें अपने पति या फिर मनचाहे वर को पाने के लिए रखती हैं। वहीं इस दिन 16 श्रृंगार का खासा महत्व है। वहीं करवा चौथ में औरतें मेहंदी जरूर लगवाती है, जिसको लेकर ब्यूटी पार्लर से लेकर बाजारों में काफी भीड़ रहती है। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद का एक ऐसा बयान सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक फरमान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि करवा चौथ पर सभी महिलाएं हिंदू माता बहनों से मेहंदी लगवाएं। बकायदा इसके लिए पर्चा भी छपवाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि अपना त्यौहार अपनों को रोजगार, जिहादियों पर प्रहार। साथ ही कहा गया है कि करवा चौथ के पर्व पर हिंदू बहनों से ही मेहंदी लगवाएं। दरअसल ज्यादातर देखने को मिला है कि करवा चौथ के दौरान मेहंदी लगाने वाले युवक युवतियां अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं। इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि मेहंदी लगाने के बहाने ये लोग लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही कहा कि विश्व हिंदू परिषद 30 और 31 अक्टूबर को शहर में 12 जगहों पर मेहंदी लगाने का केंद्र बनाएगी, जहां करवा चौथ करने वाली औरतें हिंदू महिलाओं से मेहंदी लगवा सकती हैं। साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने यह भी कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता करवा चौथ पर लगातार सड़क पर उतरेंगे और जगह जगह जाकर मेहंदी लगाने वालों के आधार कार्ड को भी चेक करेंगे, और अगर कोई अल्पसंख्यक समाज के युवक युवती मेहंदी लगाते पाए जाते हैं तो उन्हें मेहंदी नहीं लगाने दिया जाएगा। पूरे मामले को लेकर बुधवार को विश्व हिंदू परिषद के प्रांत गौरक्षा प्रमुख ललित महेश्वरी ने अपने घर पर बैठक भी की थी, जिसमें करवा चौथ के पर्व को लेकर रणनीति बनाई गई थी। ललित महेश्वरी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियां मेहंदी लगाने के नाम पर हिंदू औरतों के नंबर अपने भाई या फिर जानने वालों को बांट देती है, जिससे बाद में लोग हिंदू युवतियों को बहला फुसला कर लव जिहाद करते हैं। इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने ये बड़ा फैसला लिया है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या ये सही फैसला है।